नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। नेपाल की संसद के निचले सदन में शनिवार को नए नक्शे को लेकर विधेयक पारित तो हुआ, मगर अब नेपाल को पीएम मोदी के एक्शन की फिक्र सताने लगी है। खास बात यह है कि नेपाल को लेकर पीएम मोदी ने एक बार भी मुंह नहीं खोला है, केवल विदेश मंत्रालय स्तर पर ही कूटनीतिक बयानबाजियां होती रही है। हालांकि भारत पहले स्पष्ट कर चुका है कि लिंपुद्रा काला पानी और लिपुलेख तीनों क्षेत्र भारत के हैं। नेपाल द्वारा इस तरह का रवैया उसे पूरी तरह अस्वीकार्य है। मिली जानकारी के अनुसार अब पीएम मोदी ने नेपाल की ओली सरकार की दादागिरी ढीली करने का प्लान तैयार कर लिया है। नेपाल द्वारा नक्शे में संशोधन और कालापानी क्षेत्र को अपने में शामिल करने का फैसला यह दिखाता है कि केपी ओली सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर महज सस्ती लोकप्रियता पाना चाहती है। यह भी साफ है कि यह सारा खेल चीन के इशारे पर किया जा रहा है, मगर अब इसका उल्टा परिणाम खुद नेपाल को ही भुगतना पड़ सकता है। नेपाल अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए 75% आयात के लिए भारत पर निर्भर है। अनाज से लेकर गैस पेट्रोल तक भारत के माध्यम से ही नेपाल पहुंचता है। चीन मीठी बातें तो बोल सकता है, मगर वह भारत का विकल्प कभी नहीं बन सकता। ओली सरकार ने राष्ट्रवाद के दिखावटी मुखौटे की आड़ में इसके दीर्घकालिक नीतिार्थ के बारे में नहीं सोचा है। ऐसे में यह स्थिति नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए उल्टी हो सकती है। मोदी सरकार ने ओली को घुटनों पर लाने के लिए अब इन रिश्तों का फिर से विश्लेषण शुरू कर दिया है। वैसे भी जब तब मोदी किसी मुद्दे पर मौन धारण करते हैं, उस पर किसी बड़े एक्शन की पटकथा रची जा रही होती है। संभवतः इसका आभास नेपाल को पूरी तरह हो चुका है, मगर ओली इस बार बुरी तरह फंसे हुए हैं। वे अब चाहकर भी कदम वापस नहीं खींच सकते हैं, मगर नेपाल को एक बड़ी मुश्किल में जाने से भी वे नहीं बचा सकते हैं। नेपाल की संसद से नक्शा पास कराकर वे भारत को घेरने की चाले चल रहे हैं, क्योंकि एक बार संसद से नक्शा पास हो जाने के बाद भारत के लिए बातचीत से बचना मुश्किल हो जाएगा। नेपाल ऐसा करके भारत पर दबाव की रणनीति तैयार कर रहा है, मगर इसकी एक बड़ी कीमत भी उसे चुकाने के लिए तैयार रहना है। जबकि नक्शे में दर्शाए गए तीनों क्षेत्र बीते 60 सालों से या उससे भी अधिक समय से भारत के नियंत्रण में रहे हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भारतीय नागरिक हैं, भारत को टैक्स देते हैं और भारतीय चुनाव में वोट भी डालते हैं, जबकि नेपाल के पास इन क्षेत्रों के उसके होने के दस्तावेज तक नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस सड़क पर चीन आज आपत्ति कर रहा है, उस पर 2008 से काम हो रहा है, लेकिन पिछले 12 वर्षों से उसने इस प्रोजेक्ट पर सवाल नहीं उठाए थे। भारत पर पूरी तरह से निर्भर नेपाल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय करीब 80,000 नेपाली रुपए है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 1,35,000 रुपए के लगभग है। भारत नेपाल को 54,300 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जबकि नेपाल भारत को सिर्फ 3,558 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। नेपाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा कार और दूसरे वाहन, चावल और दवाइयों का भी भारत से आयात करता है। केवल इतना ही नहीं, नेपाल में होने वाले कुल विदेशी निवेश में 30% से ज्यादा हिस्सेदारी भारत की है, और नेपाल में भारत की 150 कंपनियां काम कर रही है, जो कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिक्षा, टेलीकॉम और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 20 से 25 लाख नेपाली नागरिक रहते हैं। इनमें 10 लाख नेपाली लोग मजदूरी का काम करते हैं, यानी नेपाल भारत से बहुत पीछे है, बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक भारत पर आश्रित है। भारत द्वारा उठाया गया एक भी विपरीत कदम नेपाल की हालत खराब कर सकता है। जिस राष्ट्रवाद के नाम पर पीएम ओली अपनी सरकार को बचाने का खेल रच रहे हैं, वह नेपाल की आम जनता को मुश्किलों में डाल सकता है। भारत अब नेपाल के साथ उन तरीकों पर विचार कर रहा है जो नेपाल की दादागिरी पर अंकुश लगा सकते हैं। इसके लिए भारत उन रियायतों पर एक्शन करने की तैयारी में है, जिन्हें वह भारत से नो प्रॉफिट नो लॉस के तौर पर प्राप्त करता है। इनमें भारत से नेपाल को निर्यात होने वाले पेट्रोलियम उत्पाद प्रमुख हैं। इसके साथ ही नेपाल से लगती सीमा पर भी भारत चौकसी बढ़ाने जा रहा है। नेपाल के लोगों को भारत में आने जाने की जो आजादी मिली हुई थी, उसे भी अब सीमित करने पर विचार चल रहा है। ओली सरकार पर शिकंजा सख्त करने के लिए मधेशी नेताओं को तैयार किया जा रहा है। ओली की कम्युनिस्ट सरकार चीन के करीब मानी जाती है, तो मधेशी समुदाय भारत के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। वैसे भी ओली सरकार भारत विरोध के नाम पर नेपाल के लोगों में नकारात्मकता को बढ़ावा दे रही है, जिसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान नेपाल को ही होने वाला है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक है कि वे इस प्रभाव को खत्म करने हेतु सख्त कदम उठाए, जो कि उठने शुरू भी हो चुके हैं। ओली आधुनिक युग के जयचंद हैं, और ऐसे जयचंदों को लातों से नहीं कूटनीति से मात दी जाती है।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।